चिलर का डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले जो है, इसमें जो कंट्रोलर यूज किया जाता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है कैरेल। ये एक कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर और ये कंट्रोलर पूरा ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कैरेल कंपनी का ये डिस्प्ले कार्ड है जिसमें चिलर का सारा रनिंग पैरामीटर्स, कंप्रेसर का लो प्रेशर, हाई प्रेशर, सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, इवापोरेटर का इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, ये सारा इवापोरेटिंग टेम्परेचर, कंडेंसिंग टेम्परेचर, रनिंग आवर, ये सारा पैरामीटर्स यहाँ पे शो होता है। ये डिस्प्ले में शो होता है। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, सेट पॉइंट वन पॉजिटिव टेम्परेचर, सेट पॉइंट वन पॉजिटिव टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो सेट पॉइंट होते हैं, एक सेट पॉइंट टू, सेट पॉइंट वन। सेट पॉइंट टू जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, जब कभी ब्राइन में चलाना है। ब्राइन मतलब ग्लाइकोल वाटर के साथ मिक्स करके जब चलाया जाता है, निगेटिव में -5 -10, तब अपन सेट पॉइंट टू यूज करते हैं। अभी जैसे कंप्रेसर वन देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेटस बता रहा है ऑफ, कंप्रेसर टू ऑफ दिखा रहा है, कूलिंग मोड दिखा रहा है, कूलिंग मोड में सेट किया गया है कूलिंग में चलने के लिए ये। और यहाँ जब कभी हीट पंप होता है तो यहाँ हीटिंग मोड सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो हीटिंग मोड पे चलता है, गर्म पानी जनरेट करता है। अभी कूलिंग मोड है तो इसका मतलब तो ठंडा पानी जनरेट करने के लिए। ये OHD मतलब होता है ऑयल हीटिंग डिले। जब कभी मशीन काफ़ी टाइम के लिए बंद रहती है तो यहाँ पे जब अपन चालू करते हैं तो यहाँ पे ऑयल हीटिंग डिले कुछ टाइमिंग चलता है 6000 सेकेंड का, वो पूरा होने के बाद कुछ 2-3 घंटे के लिए रहता है। उसके बाद ही चिलर को कमांड देते हैं कंप्रेसर चालू, क्योंकि ऑयल का हीटिंग जरूरी होता है। कुछ उसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इधर लो वाटर टेम्परेचर 8.8 दिखा रहा है, जो लिविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर होता है उसका। इधर आप देख सकते हैं कि टाइम दिखा रहा है और इधर डेट दिखा रहा है। और चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें पैरामीटर्स। जैसे कंप्रेसर नंबर वन का है, कंप्रेसर नंबर वन, इसमें स्क्रू टाइप कंप्रेसर यूज किया गया है। तो स्क्रू टाइप कंप्रेसर में ये सक्शन प्रेशर बता रहा है, सक्शन प्रेशर 2.3 bar का है। इसमें R134a रेफ्रिजरेंट यूज किया गया है, चूँकि अभी ये निगेटिव टेम्परेचर में रन किया गया था इसलिए थोड़ा सा प्रेशर इसका डाउन दिखा रहा है। तो सक्शन प्रेशर है 2.3, सक्शन टेम्परेचर है 17.4, डिस्चार्ज प्रेशर है 7.9, डिस्चार्ज टेम्परेचर है 32.5, डिस्चार्ज डी सुपर हीट -2.6। ये जो पैरामीटर्स है, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर और कंडेंसिंग टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इधर शो करता है। इसी तरह कंप्रेसर नंबर टू का भी इधर पैरामीटर्स है, सक्शन प्रेशर 2.3 bar, सक्शन टेम्परेचर 19.2 डिग्री सेल्सियस, डिस्चार्ज प्रेशर 5.8 bar, डिस्चार्ज टेम्परेचर 33.1 डिग्री सेल्सियस, डिस्चार्ज डी सुपर हीट 7.4 डिग्री सेल्सियस। यस, डिस्चार्ज टेम्परेचर और कंडेंसिंग टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है 7.4। अभी इधर देख सकते हैं आप, इवापोरेटर इनलेट एंड इवापोरेटर आउटलेट टेम्परेचर दोनों सेम दिखा रहा है। इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, इवापोरेटर का जो ठंडा पानी जनरेट करता है उसका इनलेट आउटलेट। ये जो एयर इनलेट टेम्परेचर है, ये एम्बियंट टेम्परेचर का सेंसर लगता है इसमें, जो कि ये शो कर रहा है। ओके, और आगे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेसर नंबर वन का सक्शन सेचुरेशन टेम्परेचर है 3.3, यानी कि इवापोरेटिंग टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, इवापोरेशन टेम्परेचर या इवापोरेटिंग टेम्परेचर को भी बोलिए। और ये कंप्रेसर नंबर वन का डिस्चार्ज सेट यानी कंडेंसिंग टेम्परेचर शो हो रहा है। और इसी तरह कंप्रेसर नंबर टू का भी सक्शन सेचुरेशन टेम्परेचर, इवापोरेशन टेम्परेचर, कंडेंसिंग टेम्परेचर। और आगे चलते हैं तो ये ऑयल हीटिंग डिले टाइम दिखाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व का ऑपरेशन दिखाता है, एज पर ये वेरी होता है, एज पर सक्शन प्रेशर एंड सक्शन टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली
ये बैरी होता है, और ये दोनों बैरी होता है, सक्शन प्रेशर एंड सक्शन टेम्परेचर वेरी होता है चिल्ड वाटर इनलेट और आउटलेट, जो ऑपरेटर में जो चिल्ड वाटर चलता है उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों वेरी होते हैं। तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली एक्सपेंशन बॉल ऑपरेट होता है, इसका ऑपरेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट एसटीपी सेट पॉइंट है, और ये जो परसेंटेज में है ये कितना ओपनिंग क्लोजिंग परसेंटेज दिखाता है, कितना ओपन, कितना परसेंट ओपन है, कितना परसेंट क्लोज है, यहाँ पे ये दिखाता है। और यहाँ पे SH सुपर हीट होता है, सुपर हीट कैलकुलेट करता है ये सक्शन टेम्परेचर और एवोपरेटिंग टेम्परेचर के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे सुपर हीट शो करता है। ये सर्किट नंबर 1 का है A, एंड सर्किट नंबर 2 का B का सेम ऐसा ही सुपर हीट, सक्शन टेम्परेचर, एवोपरेटिंग टेम्परेचर, सक्शन प्रेशर एंड एक्सपांशन वॉल का ऑपरेशन। अभी स्टैंड बाई है, तो मतलब अभी बंद है तो स्टैंड बाई लिख के आ रहा है, चालू रहेगा तो इधर वेरिएशन चलता रहेगा, यहाँ परसेंटेज दिखाएगा, यहाँ सेट पॉइंट दिखाएगा उसका। और आगे जाते हैं तो यहाँ टनेज दिखाएगा, कितना टनेज जनरेट कर रहा है, और आगे जाएंगे तो दिखाएगा कंप्रेसर 1 का रनिंग आवर, कितना आवर्स वो रन हो चुका है, कंप्रेसर 2 का भी दिखाएगा रनिंग आवर, कितना आवर्स रनिंग हो चुका है। उसके बाद और आगे जाएंगे आप तो यहाँ पे दिखा रहा है प्रेस इंटर टू की टू व्यू अलार्म लॉग, इस ये इंटर की होता है इसमें, तो इसको प्रेस करेंगे तो इसमें अलार्म लॉग क्या क्या आया है अलार्म, अभी अपने जो भी रनिंग के टाइम पे जो भी अलार्म आता है वो पूरा इधर स्टोर हो जाता है। तो हमें जो देखना है तो उसके लिए अपन को यहाँ पे आके इंटर करेंगे तो सारा लॉग आ जाएगा अलार्म का। आप देख सकते हैं पूरा 100 लॉग आता है यहाँ पे, 199 पूरा देख सकते हैं, कुछ जो भी 100 लॉग रहेगा इसमें यहाँ पे स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी आप देख सकते हैं इसमें जो, आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कीपैड है ये अलार्म स्विच, अगर कोई अलार्म आता है तो यहाँ पे रेड इंडिकेशन दिखता है, ये अलार्म दिखाने लगता है। और अलार्म को रीसेट करने के लिए अपने को इसे 2 times रिपीट करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है 2 times, तो नो एक्टिव अलार्म लिख के आ जाता है, नो एक्टिव अलार्म। और ये प्रोग्राम स्विच है, PRG प्रोग्राम स्विच होता है, स्कैप स्विच होता है, इसको प्रेस करने से हम वापस बैक पे आ सकते हैं। ये अप एरो होता है, किसी भी पैरामीटर्स को अप एरो देखने के लिए यूज करते हैं। ये डाउन एरो है, ये इंटर स्विच है। अभी हम चलते हैं प्रोग्राम स्विच में, प्रोग्राम स्विच में आप देख सकते हैं यूजर आ रहा है, सुपरवाइजर आ रहा है एंड स्टेटस आ रहा है। स्टेटस में जाके हम सारा पैरामीटर्स देख सकते हैं, इवापोरेटर इनलेट आउटलेट कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 का पैरामीटर्स देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं डिजिटल इनपुट जो भी होता है, चिलर फ्लो स्विच और SPPR कंडेंसर वाटर पंप फॉल्ट, और ये सब यहाँ पे दिया रहता है। तो एयर कूल चिलर है ये, और डिजिटल इनपुट कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 का इधर देता है, और स्कैप दबाएंगे उसके बाद अपन चलते हैं यूज़र में, चलते हैं यूज़र में। पहले आपको बता देता हूँ सुपरवाइज़र में कैसे जाना रहता है। सुपरवाइज़र में जाएंगे, सुपरवाइज़र में जब कभी जाते हैं तो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना रहता है, जो कि पासवर्ड होता है 4321 पासवर्ड होता है 4321। तो पासवर्ड इंटर करेंगे तब जाके यहाँ पे ये अलार्म SP है, अलार्म SP यहाँ पे इंटर करेंगे तो अंदर आप देख सकते हैं टेम्परेचर अलार्म। यहाँ पे जो भी अलार्म होता है उन सब का सेट पॉइंट दिया रहता है, जैसे एंटी फ्रिज का अलार्म है, ये जो चिलर है निगेटिव टेम्परेचर पे चलता है, ब्राइन चिलर है, इसलिए इसका सेट पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट का सेट पॉइंट -11 -12 तक अपन इसको लेके जा सकते हैं। जैसा फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है ब्राइन का -18, तो हमें ऑपरेट करना है -12 तक ऑपरेट करना है, इसलिए -12 -11 सेट कर सकते हैं। इसमें अनलोड होता है 0.1, रिलोड होता है 0.1 में, एंटी फ्रिज 1 second में कमांड ले लेता है अगर कुछ अबनॉर्मलिटी होती है। सर्किट नंबर 1 का है और सर्किट नंबर 2, दोनों सर्किट के लिए बाई सेपरेट भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। और हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर का भी यहाँ पे सेट पॉइंट दिया रहता है, अगर कंप्रेसर में डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर
100 डिग्री के अराउंड आएगा तो ये अलार्म जनरेट हो जाता है। जैसे 100 डिग्री अराउंड 100 डिग्री 105 तक अपन इसको सेट कर सकते हैं, जो कि अनलोड होता है 5.0 डिग्री सेल्सियस पे एंड रिलोड होता है 5.0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, एंड हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर 1 सेकेंड में ये भी कमांड ले लेता है। आगे देखते हैं तो लो डिस्चार्ज सुपर हीट सेटिंग रहता है, जो सुपर हीट होता है सक्शन टेम्परेचर और एवोपरेटिंग टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, इस सुपर हीट के बेस पे ही एक्सपांसन वाल्व का ऑपरेशन होता है। एक्सपांसन वाल्व का काम होता है इतना सुपर हीट मेंटेन करना, जो कि इसमें सेटिंग किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। उसका अपन डिले टाइमिंग होता है 1800 सेकेंड। अगर इस सेकेंड 1800 सेकेंड के 1800 सेकेंड के सेकेंड के टाइम के अंदर अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो ये अलार्म दे सकता है। और आगे देख सकते हैं, अभी फिर बैक आएंगे अपन, स्कैप स्विच का यूज करके बैक आया और आगे जाएंगे डिजिटल फ्लो में। देखिए आप फ्लो स्विच का अलार्म का दिया हुआ है ऑप्शन, एंड बाइंडिंग टेम्परेचर का दिया है, वोल्टेज डिफरेंस का दिया, इमरजेंसी स्विच का दिया है। बैक आए अपन और फिर जाएंगे प्रेशर अलार्म। यहाँ पे प्रेशर अलार्म का सेफ्टी लिमिट है, ये सब सेफ्टीज दी हुई हैं जो आप टेम्परेचर अलार्म में देखे, प्रेशर अलार्म में, ये सब सेफ्टीज दी हुई है। इसमें 0.3 bar का सेफ्टी दिया हुआ है। सक्शन प्रेशर अगर 0.3 के पास आएगा तो ये उसको कमांड दे देगा, सेफ्टी एक तरह का सेफ्टी है, ये लिमिट है। इसी तरह HP स्विच का कट ऑफ का लिमिट दिया हुआ है 20 bar का। और आगे जाएंगे तो देखिए हाई डिस्चार्ज प्रेशर स्विच का दिया हुआ है लिमिट, इसमें सेट है 18 bar का। अनलोड रीलोड दिया हुआ है 1.0 bar का। लो डिस्चार्ज प्रेशर सेट पॉइंट दिया है, अगर डिस्चार्ज प्रेशर बाई चांस किसी भी रीजन से 4.7 bar तक आता है, अगर 60 सेकेंड तक होल्ड रहता है तो ये अलार्म जनरेट होगा। लो ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर सेट पॉइंट दिया हुआ है 2.5 bar, जो कि 180 सेकेंड इसका टाइम डिले दिया हुआ है। अनसेफ ऑयल का 1.8 bar डिफरेंस दिया हुआ है और 30 सेकेंड का इसका टाइम डिले दिया हुआ है। अगर किसी रीजन से सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर के बीच का डिफरेंस 1.8 bar रहता है या 30 सेकेंड तक होल्ड रहता है तो ये अलार्म जनरेट होगा। या किसी रीजन से कंप्रेसर को पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है और सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है तो ये अलार्म जनरेट होता है। और आगे जाते हैं, देखते हैं वेरी लो सक्शन प्रेशर, वापस से वही स्कैप स्विच का यूज करके बैक आएंगे और एक बार प्रेस करेंगे अलार्म SP। यूनिट कॉन्फ़िगरेशन इसमें सब प्रोग्रामिंग बेस पे पूरा सेटिंग किया रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं R134A गैस यूज किया, ऑयल हीटिंग डिले किया गया है और इसका कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 का रनिंग आवर इसमें 8000 लिमिट सेट किया गया है। और आगे जाएंगे टाइम डेट सेट कर सकते हैं, कंट्रोल SP में जा सके देख सकते हैं। एंटी रिसाइकल टाइमिंग पूरा प्रोग्रामिंग इसमें सेट किया हुआ है, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड, 30 सेकेंड। दो कंप्रेसर के बीच का टाइम जो है तो 120 सेकंड रखा गया है, एक कंप्रेसर चालू होने के बाद दूसरा कंप्रेसर 120 सेकंड के बाद कमांड लेता है, एंड 30 सेकंड का इसमें फास्ट अनलोडिंग दिया हुआ है टाइम डिले। एंटी रिसाइकल 60 सेकंड का दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए कोई अलार्म बार बार आ रहा है बाई किसी रीजन से तो यहाँ पे ये स्लीप मोड पे चला जाता है, तो उसको यहाँ पे आके इसको यस करके आप इसको वापस से रिसेट कर सकते हैं। और अगर ये सारा इसमें पैरामीटर्स दिया हुआ है और आप देख सकते हैं अगर सुपरवाइज़र में जाके एक्सपांसन वाल्व में अगर कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं एक्सपांसन वाल्व में। इसी तरह आपको अगर कोई ऑफसेट डालना है या कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि कुछ टाइम डिफरेंस रहेगा तो उसको यहाँ से आप प्रूफ डाल के थोड़े टाइम के लिए चला सकते हैं। डिस्चार्ज प्रेशर डिस्चार्ज टेम्परेचर में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी सक्शन टेम्परेचर में भी सक्शन प्रेशर में भी कर सकते हैं। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है तो 0
एंड 35 सेट 35.0 बार सेट किया गया है। ओके ओके, तो ये लिमिट वैसे रहता है 45 का, इसको अपन 45 करेंगे, 45 रहता है। ओके, मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 45 रहेगा डिस्चार्ज प्रेशर का, क्योंकि हमने जो ट्रांसड्यूसर यूज किया है 45 बार का यूज किया है, इसलिए मैक्सिमम इसमें 45 बार रहता है। अभी हम जाके देखते हैं कि यूज़र में क्या क्या सेटअप है। तो यूज़र में आए, इंटर किए, यूज़र में आप देख सकते हैं सेट पॉइंट 1, सेट पॉइंट 2 है, सेट पॉइंट 2 है, और सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन 2 है, सेट पॉइंट 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट पॉइंट 2 माइनस 8 है, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, कभी अंदर से आपको लॉक करना है तो इधर आके इसे लॉक किया जा सकता है सेफ्टी के लिए। और मान लीजिए अपने को सेट पॉइंट चेंज करना है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, आप जाएंगे यूज़र में, इंटर करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे, और एक बार करेंगे डाउन एरो प्रेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट पॉइंट 1 लिखा हुआ है, तो इंटर करके अपन यहाँ पे आएंगे और ये सेट पॉइंट को चेंज किया हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट पॉइंट चेंज हो गया। पहले पॉजिटिव सेट पॉइंट 1 दिखा रहा था 7 डिग्री, अभी सेट पॉइंट 2 दिखा रहा है -8 डिग्री। तो ऐसे हम इसमें इसे ऑपरेट कर सकते हैं यूज़र में भी। आप और आगे जाके देख सकते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं एयर कूल लॉजिक जो लिखा हुआ है, इसमें स्टेज डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस टाइमिंग दिया हुआ है 30 डिग्री, इसमें जो सेटिंग किया हुआ है टेम्परेचर सेट पॉइंट, ये फैन का जो कंडेंसर फैन है वो इस टेम्परेचर बेस पे ऑपरेट होता है को सेंस करके, तो ये सारा इसमें प्रोग्रामिंग रहता है, सारा पैरामीटर सही है कैरेल का, कैरेल कंपनी का। ओके, थैंक यू।